हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू आवर चैनल बिकम टीचर। कैसे हैं आप सभी लोग? और बहुत सारे कमेंट्स में प्रश्न आए हुए थे आप लोगों के, जिस पे वीडियोस जरूरी था, और आप लोगों के जो भी डाउट्स है उसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। और कोई भी डाउट होगा भी तो फिर से उसको आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? तो डाउट में देखिए, डीएलएड एंट्रेंस आपका हो चुका और रिजल्ट आ चुका, आपके गवर्नमेंट कॉलेज के 3 लिस्ट आ चुके, स्पॉट राउंड एडमिशन चल रहा है, ठीक है? स्पॉट राउंड एडमिशन में क्या है ना कि कुछ सीटें अभी भी सरकारी संस्थानों में बची हुई हैं, और आप लोगों को जिन बच्चों को सरकारी कॉलेज चाहिए उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है, मौका है, तो इसको आप लोग नहीं छोड़िएगा। चाहे जिसका प्राइवेट भी मन है वो भी अगर सरकारी को च्वाइस फील किया था तो वो भी कर सकता है अभी भी, और नजदीक के कॉलेज में आप लोग एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आपको वीडियोस में बताया गया था कि कैसे कैसे अप्लाई करना है, फिर भी बहुत बच्चों के डाउट्स थे, ठीक है? डाउट्स में 3 डाउट्स थे। एक तो सबसे ज्यादा कि प्राइवेट कॉलेज कब आएगा, क्योंकि इसकी कोई सूचना दी नहीं जा रही है ना? बीएसईबी की तरफ से कोई सूचना नहीं दी जा रही है। इस पे हम लोग बात करेंगे अंत में, ठीक है, कि कब तक आपके प्राइवेट कॉलेज लिस्ट आने की संभावना है। और सेकंड है कि स्पॉट राउंड एडमिशन से जुड़े बहुत सारे सवाल हैं। सवाल में सबसे ज्यादा है कि सीएएफ क्या है, तो सर ने आपको सीएएफ का वीडियो बना के बताया है ना, कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपके वेबसाइट पे आपने काउंसलिंग किया था उसी को डाउनलोड करना था, ठीक है? उसी को डाउनलोड करके ले जाना था, और वो अलग से कोई फॉर्म नहीं है, ठीक है? तो इसके बारे में, और एडमिशन एडमिट कार्ड बहुत बच्चों का गुम हो गया है, या फिर उन्होंने एक ही कॉपी कराया था जो एग्जाम सेंटर पर ले लिया गया, तो उस पे हम लोग क्या बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो भी लोग सीए, ठीक है, तो वो वीडियोस कल का देख लीजिएगा, ठीक है? उसमें सारी चीज डिटेल में बताई गई है। आप लोग ना जो काउंसलिंग किए थे उसी का प्रिंट आउट निकाल करके ले जाना है, ठीक है? जो काउंसलिंग आप किए थे, जो चॉइस फिलिंग किए थे, और उसका प्रिंट आउट जो है ना, प्रिंट आउट निकाल के ले जाना है। तो प्रिंट आउट निकाल लेना है। इसके लिए कोई भी अलग से एप्लीकेशन फॉर्म नहीं बीएससीबी जारी किया है, जिसको आप लोग ढूंढ रहे हो कि हमें चाहिए। सीट वैकेंट आ गया है। अब क्या करना है ना, कि जो आयोग की तरफ से बताया गया है कि अब आप लोगों को ऑनलाइन कुछ नहीं करना है, सब ऑफलाइन करना है। आप लोग ये फॉर्म लेकर के इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो कल वीडियोस में आपको बता दिया गया था, ठीक है? तो आप लोग क्या करेंगे ना, आप लोग उस सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच कीजिए, और जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है वो जाकर के उस कॉलेज में उसको जमा कर देना है, यानी कि सीएएफ के साथ इसका प्रिंट आउट। अब कुछ बच्चों का कहना है कि एडमिट कार्ड हमारा खो गया है, या फिर एडमिट कार्ड मैंने एक ही कॉपी लिया था, है ना? तो अब क्या करें, वो तो आपके चैनल वहां पे जो एग्जाम सेंटर था उस पे जमा करा लिया गया था। तो देखिए, एडमिट कार्ड अगर नहीं है तो भी आप लोग कॉलेज में जाकर के बाकी डॉक्यूमेंट्स का आप ले जाकर के अटैच करके कॉलेज में जमा कीजिए, है ना? ये नहीं भी है तो ये नहीं कि आप लोग छोड़ दीजिएगा। नहीं है तो भी आपको बाकी जो जो डॉक्यूमेंट्स जो आपने फॉर्म फिलअप किया था, जो काउंसलिंग किया था, एक बात बता दे कि जब भी आप कोई फॉर्म अप्लाई करते हो या फिर जो भी उसमें चेंजेस होते हैं, सबका प्रिंट आउट रखना चाहिए। एक एक पेमेंट का भी प्रिंट आउट रखना चाहिए। बहुत बच्चे नहीं रखते हैं, फिर उनको समस्या आती है। तो आप लोग क्या करोगे कि जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं इसके साथ, और ये वाला ना आपको उसी टाइम जब आपने काउंसलिंग किया होगा तो प्रिंट आउट के फॉर्मेट में मिला होगा, या तो आपने ऑनलाइन अपने फोन में रख लिया होगा तो उसका पीडीएफ से प्रिंट आउट निकाल लीजिए, और या फिर साइबर वाले ने आपको दिया होगा, आप चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाकर के कॉलेज में जमा कर देने हैं, और फिर जमा करने के बाद वेट करना है, ठीक है? और वहां से औपबंधिक जो सूची निकलेगी जिस भी कॉलेज का कि इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो उस पे कोई भी आपत्ति होगी तो बाद में उसको आपत्ति करना है। तो मेन जो डेट है आपका, ठीक है, मेन जो आपका डेट है वो बताया गया था, ठीक, बताया गया था, एक बार फिर से देख लेंगे, 27 से 30 अगस्त, ठीक है? और यहाँ पर अगर बात करते हैं तो आप लोगों को कब तक, तो ये डेट 30 अगस्त तक,
30 अगस्त तक, और कब से? तो 27 से, यानी कि कल से, ठीक है? आप ये कॉलेज में अपने ले जा करके जमा कर दीजिए, 30 के बाद आपको चांस नहीं मिलेगा और आपका मौका छूट जाएगा। तो अपने कॉलेज में 30 अगस्त तक आप जाके जमा कीजिए, फिर 31 तारीख को एक औपबंधिक मेधा सूची आपकी आएगी, जिसमें कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है वो बताया गया रहेगा। अगर उस पर कोई भी आपत्ति होगी तो उसके लिए समय दिया गया है, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस है। अब इस बीच में क्या है ना कि जो भी है कि लग रहा है बच्चों को कि लग रहा है कि प्राइवेट कॉलेज का लिस्ट अब नहीं आएगा, क्योंकि ये लोग एक महीने से सिर्फ गवर्नमेंट गवर्नमेंट ही खेल रहे हैं, ठीक है? प्राइवेट का कोई नाम नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर भी देखिए, इतने सारे बच्चों ने पेपर दिया है और प्राइवेट में सीट है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब किसी भी प्रकार से वो लोग एडमिशन करा देंगे। अगर यही कराना होता तो वो एंट्रेंस प्राइवेट कॉलेज का लिस्ट देते ही नहीं अपने एंट्रेंस लिस्ट में, ठीक है? सिर्फ गवर्नमेंट का देते और गवर्नमेंट का काउंसलिंग कराते। लेकिन जब आप फॉर्म भर रहे थे और जब काउंसलिंग का समय आया था, तो आपने देखा था कि ऊपर गवर्नमेंट और नीचे प्राइवेट का अलग कॉलम बना हुआ था। आखिर अगर प्राइवेट का डायरेक्ट एडमिशन लेना होता तो वो कॉलम क्यों बनाते वो लोग? क्यों आपसे चॉइस फिलिंग लेते? क्योंकि उन्हें अलॉट करना है, तभी उन्होंने चॉइस फिलिंग लिया है। अगर वो कहते कि जो भी बच्चा पास है डायरेक्ट जाके प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले, तो वो कभी भी चॉइस फिलिंग प्राइवेट का नहीं करवाते, सिर्फ गवर्नमेंट का करवाते। तो इस बात से आप लोग निश्चिंत रहिए कि प्राइवेट कॉलेज का लिस्ट भी आएगा। हाँ, लेट होगा तो लेट होगा, तो सब्र रखने का काम है। लेकिन जहां तक अब आपको जो डेट्स है ना कि कब तक आएगा, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर नामांकन के पश्चात समिति के पोर्टल पर अद्यतन करने की तिथि 8 सितंबर दी गई है, यानी कि ये जो कल का पीडीएफ है, ठीक है, जो कल का पीडीएफ है, तो उसमें 8 सितंबर तक इसी का स्पॉट राउंड का ही काम किया गया है। तो अब आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज कब लिस्ट देखने को मिल सकता है, तो आप समझिए कि इसके बाद ही 10 मिल जाए, 10 सितंबर मिल जाए, 15 सितंबर मिल जाए, यानी कि अब आप मिड सितंबर का ही वेट कीजिए प्राइवेट लिस्ट का। उसके पहले अगर कोई सूचना ये लोग देते हैं तो आपको बिकम टीचर चैनल पर और टेलीग्राम चैनल पे ये सूचना अपडेट कर दी जाएगी। लेकिन अगर इस बीच कोई सूचना नहीं आती है, तो आप अब एक्सपेक्ट कीजिए कि 8 सितंबर के बाद ही कुछ प्राइवेट का आएगा, क्योंकि स्पॉट जो है वो लास्ट स्टेज को बोला जाता है। स्पॉट का मतलब होता है छीटा, ठीक है? यानी कहीं इक्का दुक्का सीट जो बचा है उसी को ये लोग भर रहे हैं। तो प्राइवेट जैसे ही गवर्नमेंट जैसे ही खत्म होगा, प्राइवेट कॉलेज का लिस्ट जो है वो आ जाएगा, ठीक है? तो ये नहीं सोचना है कि हम जाके डायरेक्ट एडमिशन ले ले। तो देखिए, एफिलिएटेड जो कॉलेज नहीं होगा ना एनसीटीई से, वो आपका एडमिशन ले लेगा, और फिर बाद में जब आप जॉब पे जाओगे तो आपका डॉक्यूमेंट्स रद्द कर दिया जाएगा। तो जो भी कॉलेज इन्होंने बीएससीबी अपने लिस्ट में दिया है, उन्हीं कॉलेज से एडमिशन लेना है और अच्छे से वेट कर लेना है। अगर अलॉटमेंट आ जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं देना होगा तो ये लोग सूचना देंगे कि हाँ, जो भी बच्चे हैं अपने अपने एरिया में जाइए, प्राइवेट कॉलेज में अपना ले लीजिए एडमिशन। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फिर बच्चों में क्या हो जाएगा ना, भेदभाव हो जाएगा। जिनके पास पैसा है वो अच्छे कॉलेज में चले जाएंगे, और जिनके पास पैसा कम है वो उनको फिर सीट प्राइवेट की नहीं मिलेगी। तो ऐसा नहीं है। प्राइवेट कॉलेज की फीस का भी जिक्र किया गया था जो नोटिफिकेशन था कि इतना लेना है। तो हर चीज जो है वो आपकी होगी, और प्राइवेट कॉलेज का लिस्ट आएगा, हड़बड़ाना नहीं है। और नहीं हड़बड़ाना है तो एक सूचना का वेट करना है। तो अभी आप लोग 10 से 15 सितंबर तक प्राइवेट के लिए वेट कीजिए, कुछ मत कीजिए, है ना? और स्पॉट राउंड एडमिशन से और भी कुछ सवाल हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल को पिन कर दीजिएगा। एडमिट कार्ड वाला सवाल ज्यादा था कि एडमिट कार्ड मेरा मैम नहीं है, या कोई अन्य डॉक्यूमेंट नहीं है। सबसे जरूरी है कि सीएएफ जो बच्चे प्रिंट आउट नहीं निकाले हैं वो जरूरी है, ठीक है? तो वो लॉगिन से ही मिलता है। अगर नहीं खुल रहा है तो आप कंप्लेंट कीजिए, बीएससीबी जो आपके जिला में रहता है ऑफिस, वो लोग साइट पोर्टल ओपन कर देंगे, या फिर अपने तरीके से आपका लॉगिन करके वो लिस्ट दे सकते हैं जिन बच्चों को ज्यादा जरूरी है, ठीक है? तो ये सब काम हो सकता है। तो आप लोग 8 सितंबर के बाद प्राइवेट के लिए वेट कीजिएगा, है ना? और उसका भी, क्योंकि चॉइस फिलिंग लिया गया है, तो उसका भी लिस्ट आएगा, ठीक है? नहीं तो चॉइस फिलिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर वो लोग लिस्ट नहीं देना चाहते और डायरेक्ट एडमिशन होता तो चॉइस फिलिंग नहीं लिया जाता।
इसके बाद जो भी बच्चे मान लीजिए कि कम मार्क्स आया है और उनको लग रहा है कि इस साल मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा, तो 2025 के लिए वो अपनी बेस्ट तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ट तैयारी, लाइव क्लासेस चल रही हैं, आपकी न्यू बैच है, उत्सव बैच, नया बैच है, और मिनिमम फी में आपकी सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही है। आपको वहाँ पे बीकम टीचर प्ले स्टोर पे आप ऐप डाउनलोड कीजिएगा, और ऐप डाउनलोड कीजिएगा तो आपको ये उत्सव बैच रजिस्टर करने के बाद दिखेगा, जहाँ पे सभी सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस चल रही हैं। आपको पीडीएफ मिलेगा, डीएलएड का प्रीवियस ईयर फ्री मिलेगा, प्रीवियस ईयर जितने भी हुए हैं वो फ्री है इस कोर्स में, और चैप्टर वाइज एमसीक्यू और बाइलिंगुअल आपका चल रहा है क्लास। यहाँ पे ये अभी फी 599 कर दिया गया है, तो आप इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं, और अपनी जो भी समस्या है या फिर जो भी दिक्कत आई थी इस वर्ष आपको, वो अगले साल ना आए उसकी तैयारी अभी से कर दीजिए। ठीक है, आप बिहार बीएड के लिए भी जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं 2025 में, उनके लिए भी जीत बैच चल रहा है जो कि न्यू बैच है, और वहां पर भी सेम कंडीशन में लाइव क्लासेस, क्लास पीडीएफ और सभी सब्जेक्ट की तैयारी हो रही है। इसका भी फी अभी 599 है, आप इस बैच को भी ले सकते हैं। इसमें भी पीवाईक्यू आपका फ्री है और चैप्टर वाइज एमसीक्यू होता है। कोई भी समस्या बैच लेने में हो तो यहाँ नीचे नंबर दिया गया है। ठीक है, तो नीचे नंबर जो दिया गया है उस पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं और अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर लीजिए। फिर भी कोई समस्या है और भी कुछ प्रॉब्लम है आपको, तो उस प्रॉब्लम को आप कमेंट में लिख दोगे तो हम ऐसे ही फिर अगले वीडियोस में आपको समझा देंगे। तो प्राइवेट के लिए वेट कीजिए, जल्द ही आएगा, अब ज्यादा देर नहीं है क्योंकि स्पॉट एडमिशन चल रहा है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो ऐसे ही मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।